हिमाचल प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा लॉकडाउन पीरियड में अपने तकनीकी अधिकारियों की दक्षता में सुधार करने के लिए वेबिनार 5 दिवसीय कोर्स 22 मई से शुरू होगा। प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन के महासचिव चंद्र प्रकाश मेहता ने जूम ऐप पर आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के उपरांत इस बात की जानकारी दी। वहीं 22 मई से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हमीरपुर के जिलाध्यक्ष पंकज भारती ने बताया कि वर्तमान परिवेश में जब संपूर्ण समाज कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है तथा सारी खेलकूद गतिविधियां बंद पड़ी हैं, ऐसे में प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन अपनी राष्ट्रीय इकाई के मार्गदर्शन में इस समय का सदुपयोग करने में जुटी है। पंकज भारती ने बताया कि वर्तमान में बंद पड़ी खेलकूद गतिविधियां जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और सरकार तथा एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार प्रदेश एथलेटिक प्रतियोगिता व संबंधित जिलों की एथलेटिक प्रतियोगिता का कैलेंडर भी घोषित किया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों से विशेष तौर पर आग्रह किया कि वे अपने घरों में रहकर अपनी अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखें। प्रदेश ने आज एक बहुत बड़ी पहल की है जहां एथलेटिक्स के क्षेत्र में पूरे राष्ट्र में प्रदेश की एसोसिएशन पहली ऐसी एसोसिएशन है जिसने ऑनलाइन मीटिंग की। कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं इसमें, क्योंकि अभी कोरोना लॉकडाउन के चलते सारी खेल गतिविधियां आपको विदित ही है कि सारी बंद हैं, तो इसके निमित्त अभी टेक्निकल ऑफिशियल्स के लिए जो कुछ रूल्स में अमेंडमेंट हुई है और कुछ चेंजेस आए हैं, तो उनके लिए एक ऑनलाइन वेबिनार यानी कि स्पेशल कोर्स जो है वो एथलेटिक एसोसिएशन स्टार्ट करने जा रही है 22 तारीख से। प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन के ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी चंद्र प्रकाश मेहता जी ने आज की इस बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें विशेष तौर पर मैडम सुमन रावत भी रहीं और एथलेटिक्स के नेशनल कोच ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी ने भी इसमें शिरकत की। इसके अलावा जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट और जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आएंगी उसके अनुसार ही स्टेट की जो चैम्पियनशिप है उसकी भी डेट डिक्लेयर की जाएगी और उसके पहले जो जिला की चैम्पियनशिप्स होती हैं स्टेट चैम्पियनशिप से पहले उनकी भी डेट्स डिक्लेयर की जाएंगी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, क्योंकि इसी महीने में जो था वो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन होना था जो पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना के लिए, तो स्पेशल जो ये आज की बैठक थी उसके जनरल हाउस ने स्टेट एसोसिएशन की तरफ से नेशनल एसोसिएशन को भी NOC दी है इस इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए। तो कुछ इन्हीं मुद्दों के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से अध्यक्ष सचिव जो डिफरेंट एसोसिएशंस के थे वो आए हुए थे और उन्होंने इस बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर अर्जुन अवार्डी सुमन रावत विशेष तौर पर मौजूद रही। बैठक में प्रदेश एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदम गुलेरिया, राष्ट्रीय एथलेटिक कोच ठाकुर भूपिंदर सिंह, प्रदेश चयन समिति के अध्यक्ष पुष्पा ठाकुर, कुल्लू के जिलाध्यक्ष गौरव भारद्वाज, ऊना के सचिव तिलक राज, चंबा के अध्यक्ष शौकत अली और सचिव उमेश, मंडी से सुनील सेन, कांगड़ा के अध्यक्ष विक्रम चौधरी, शिमला से प्रदेश सचिव सुरेश कंवर, सिरमौर के अध्यक्ष शिवराज, सचिव विजय यादव, सोलन से कुलदीप सिंह ने भी बैठक में हिस्सा लिया।